सूजी, ये है राइस जिसे मैंने पीस लिया है हल्का सा दरदरा, अभी इसे और पीसना है। ये है 2 कप बेसन और ये है 2 कप मैदा। अब हम सूजी चावल को पहले ठीक पीसेंगे, उसके बाद उसमें बेसन ऐड करेंगे, उसके बाद उसमें मैदा ऐड करेंगे। देखिए मेरे डोसे का बैटर रेडी हो चुका है। सूजी, आधा कटोरी सूजी, आधा कटोरी चावल, 2 कप बेसन और 2 कप मैदा से पीस कर मैंने ऐसा बैटर रेडी कर लिया है। इसमें मैंने मिलाया है 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और इस सब मिला के मैंने इसको 1 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दिया। तो आप देख रहे हैं इतना पतला बैटर रेडी रखना है। हमारा पैन गर्म हो गया है, अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे बैटर। ये देखिए मैंने इसे डाल दिया है। अब इससे हम 5 मिनट्स के लिए ढक के रखें। ये देखिए एकदम मस्त सिक गया है और चारों तरफ से उठ भी गया है। अब इसे हम पलटेंगे, पलटने का एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा। ओ वाव, सी एकदम ब्राउन, एकदम स्मूथ और एकदम बहुत अच्छा तरीके से रेडी हुआ है और आसानी से पलट भी गया। बेसिकली डोसा बनाते टाइम फर्स्ट वाला 1 या 2 ख़राब हो जाता है, बट ये बहुत अच्छा बना है। ये रहा मेरा डोसा और ये रहा मेरा आलू फ्राई का सब्जी और ये रही मेरी नारियल चटनी। मेरा डोसा एकदम रेडी है, देख सकते हैं एकदम बढ़िया सिका हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नारियल की चटनी बनाना सिखाऊंगी।